अपने रात को इतना टाइम हो गया, ये सोई भी नहीं है। क्यों नहीं सो रहे हो तुम दोनों? क्यों नींद नहीं आ रही? मम्मा दीदी अपने सपने के बारे में मुझे बताएं। अच्छा तुम्हें सपने भी आते हैं? क्या सपना देखा? मैंने सपना देखा कि हम मैंने ऐसा सपना देखा कि हम बाबू के बर्थडे की शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारा बर्थडे है ट्यूसडे को। हाँ मंडे को स्कूल में बनाएंगे क्योंकि ट्यूसडे को बाबू की छुट्टी है, मंडे को स्कूल में हम सेलिब्रेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? पर अभी तो सो जाओ और तुम्हारा ये जो सपना है इसको हम जरूर पूरा करेंगे क्योंकि हम पे ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी हम शॉपिंग भी करेंगे कल सुबह। ओके अभी तुम निन्नू कर लो दोनों भाई बहन, गुड नाइट। तो फ्रेंड आज मैं सुबह ना थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो मैंने अपनी किचन को जो है वो क्लीन कर लिया है। संडे था लेकिन मेरी आँख बहुत जल्दी खुल गई आज, और मैंने वीडियो तो बनाई थी बट क्या है ना मैं ऑन करना भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, बस नीचे से रह गया है साफ़ करना। ऊपर का मैंने साफ़ कर दिया है सारा अच्छे से, डिब्बे विब्बे जो खाली थे उनको भी मैंने धो के रख दिया है। आपको मेरी किचन कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। सामान ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा इधर उधर ही शिफ्टिंग की है मैंने। और इधर देखो गौ माता के दर्शन हो गए हैं, और ये ना देखो हमारे घर के आगे कदम का पेड़ है, इसमें फल आ गए हैं कदम के, बहुत से लोग ना इनको खाते भी हैं, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होता होगा, हमने तो कभी नहीं खाए हैं। तो इसके पेड़ और फल जो है वो मैंने पहली बार देखा है। ये वही पेड़ है जिस पे श्री कृष्ण जी इसके नीचे खेलते थे, बैठते थे, इसके ऊपर बांसुरी बजाते थे, तो ये वही कदम का पेड़ है। तो फ्रेंड कल हुई अष्टमी भी है, तो कल का जो दिन होता है वो हमारा बच्चों के लिए होता है, कल हम लोग बच्चों के लिए फास्ट रखेंगे, तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। जब प्रिया के बर्थडे की भी तैयारी करनी है तो वो उठेगा तो उससे पूछेंगे क्या क्या उसको चाहिए, तो उसने पता नहीं क्या क्या सोचा होगा, लेकिन कोशिश ही करूँगी थोड़ा अपने तरीके से थोड़ा सा बेस्ट रखूँ। और अभी बालकनी में पूजा ने अपने कपड़े धोए थे वो डाले हुए, इधर बच्चों के एग्ज़ाम भी है कल के दिन तो उसकी भी तैयारी करनी है मुझे। तो प्रिया के बर्थडे वाले दिन उसकी छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि स्कूल में वो अपने फ्रेंड लोगों के साथ में कल ही सेलिब्रेट करके आ जाएगा, तो उसका भी मुझे मतलब आज का ही दिन है मेरे पास में, क्योंकि कल व्रत रहेगा तो कल मार्केट का कुछ भी नहीं होगा, घर का ही करना है बस, मार्केट का कुछ भी बात तो नहीं करूँगी मैं, तो दिन भी नहीं है ना अभी मेरे पास में, तो आज का मेरे पास दिन है, तो यशमी की जो शॉपिंग करूँगी तो लगे हाथ प्रिया के बर्थडे की भी कर लूँगी मैं, तो ना बड़ी अजीब सी खुशी हो रही है सही में, 5 साल का हो जाएगा मेरा बेटा तो आप उसको बहुत सारा आशीर्वाद देना, बहुत सारा प्यार देना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज तो है जी संडे और बच्चे अपना सो रहे हैं अभी, फिर उठेंगे उनको नहलाना धुलाना करेंगे, और जैसे कि आपने देखा था ब्लॉग में कि प्रयाग के बर्थडे को ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा ही टाइम है, बस ये कहो कि दो ही दिन है, एक ही दिन है मतलब आज का और कल का ही है, बस यही दो है, लेकिन करने के लिए हमारे पास आज का दिन है, तो आज हम थोड़ा सा उसके लिए शॉपिंग वगैरह करेंगे, देखते हैं क्या क्या लेंगे, उसको क्या क्या चाहिए, फिर जब उठेगा जब मैं उससे पूछूँगी लंबी चौड़ी लिस्ट देगा कि छोटी देगा क्या कहेगा पता नहीं, तो बस आप ब्लॉग में बने रहना और उसको खूब सारा आशीर्वाद देना। दोनों बच्चे ने वेलकम, दोनों बच्चे नहा लिए हैं, अब गुन्नू के बाल धोए हैं और अभी ये लोग एप्पल खा रहे हैं। मम्मा हम बाबू के बर्थडे के लिए शॉपिंग पे कब जाएंगे? जाएंगे शाम को जाएंगे, अभी तो काम तो कर ले पहले, इन्हें मुझसे ज्यादा है जल्दबाजी। क्या क्या खरीदोगी? बर्थडे के लिए इसे जो चाहिए अच्छा। मुझे चॉकलेट केक चाहिए और अपने बर्थडे के लिए कपकेक, कपकेक भी और रोटी सब्जी दाल चावल, ये देखो मेरे बेटे को क्या क्या चाहिए, और कपड़े नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए चाहिए, तो चलेंगे शाम, कपड़े चाहिए, ओके लेके आएंगे। अभी दोनों बच्चे अपना अपना टेस्ट कर रहे हैं, कल इनका एग्ज़ाम है, तो मैंने इनका ना पेपर बना दिया क्योंकि भाई पढ़ाई तो अपनी जगह ही है, तो अभी बच्चे अपना एग्ज़ाम कर रहे हैं, कि अपना प्रयास कर रहा है यहाँ पे अपना होमवर्क। पानी वाले भैया आ रहे हैं, मैं पानी ले आती फटाफट से। शाम का हो गया है टी टाइम, तो अभी हम बना रहे हैं चाय और इधर बन रहा है बच्चों का दूध, तो मैंने किचन को इस तरीके से सेट कर लिया है, थोड़ा बहुत सामान बस इधर का उधर किया है, आप बताना मुझे कमेंट में कि कैसा लग रहा है,
और फ्रिज में ना देखो ना इतनी सारी बर्फ चली गई थी, तो इसको भी मैंने रख दिया इधर ताकि थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, क्योंकि वो बर्फ तो हम वैसे ही नहीं खाते हैं। तो बस फिर जाएंगे हम लोग मार्केट सामान लेने के लिए, पूजा के साथ ही जाऊंगी, इनका टाइम नहीं है इनके पास में बिल्कुल भी, और बच्चे घर पे ही रहेंगे तो मैं अपना फ़ोन भी घर पे ही छोड़ के जाऊंगी। लेकिन जो भी मैं सामान लाऊंगी, जो भी शॉपिंग करूंगी, वो घर आके आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो फटाफट से पहले चाय बना लेती हूँ, दूध बना लेती हूँ बच्चों का, और हमारे ये अपने जो जुल्फ हैं इनको संवार लेते हैं, क्योंकि बाल धोए थे इसलिए खुले हैं अभी, तो थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर मैं होकर जाऊँगी, क्योंकि टाइम नहीं है। और इधर कल होली अष्टमी भी है, तो कल का भी हमारा फास्ट रहेगा, तो उसकी भी तैयारी करनी है थोड़ी बहुत। तो आप ब्लॉग में बने रहना। बच्चों को दूध दे के जाएंगे मार्केट, तो वो मार्केट से आ गए, बच्चों के लिए लाए पापड़ी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आपको दिखाऊंगी कि हम प्रिया के लिए क्या क्या लेके आए हैं। वेलकम, आप हैप्पी हो? खूब हैप्पी है। तो अभी मैं फ्रेंड लोगों को दिखा रही हूं, सामान ले आए हैं प्रिया के बर्थडे का, सारा कुछ सामान आ गया है। तो ये ना मैं उसके फ्रेंड लोगों के लिए लेके आई हूँ चॉकलेट का पैकेट, तो बच्चों के साथ ये ना सेलिब्रेट कर लेगा, क्योंकि परसों है इसका बर्थडे, बट वही है ना कि छुट्टी है, तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ खा लेगा। और इसमें हम लाए हैं प्रयाग और ऋषिका के लिए कपड़े ढेर सारे, लेकिन ये कपड़े मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगी तभी जब प्रयाग का बर्थडे होगा। इनमें से एक ड्रेस वो पहन लेगा कल, एक पहनेगा अपना परसों, तो वो थोड़ा सरप्राइज रहेगा, है ना, वरना फिर सस्पेंस सा ख़त्म हो जाता है कि क्या पहनेगा। अभी ज़्यादा चमकने धमकने या ज़्यादा हाईफाई नहीं है, पर जितना हमारा बजट था हम उस हिसाब से दोनों बच्चों के लिए मैं बराबर ड्रेस लेके आई हूँ। और अभी दोज भी आ रही है, दिवाली भी आ रही है ना, तो मैं फिर दिया और भूमि के लिए भी लेके आई हूँ कपड़े, तो वो भी मैं आपको तभी दिखाऊँगी जब दिवाली और दोज आएगी। सो कल के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो कल हम बच्चों का स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, परसों वहाँ पे करेंगे घर पे मतलब अपने। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको ये व्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्रिया को विश करना बिल्कुल मत भूलना, अगर आप प्रयाग से सच में प्यार करते हो तो प्रयाग के बर्थडे पर ज़रूर आना।